सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। सो गाइज यार, अभी मैं हूं मीठापुर के पास बिगरापुर वाले फ्लाईओवर के ऊपर। और गाइज आज मैं आपको पटना मेट्रो के बारे में अपडेट दिखाने वाला हूं। एक्चुअली जो पिछली बार मैंने आपको 90 फीट से लेकर मलाई पकड़ी वाला जो मेट्रो का काम था उसे नहीं दिखाया था अभी तक। तो गाइज यार आज इस वीडियो में आपको मैं उसी का अपडेट दिखाने वाला हूँ। तो गाइज चलिए फिर मैं सीधा चलता हूँ 90 फीट के पास और वहाँ से लेकर मलाई पकड़ी तक जो पटना मेट्रो का काम चल रहा है उसके बारे में मैं आपको अपडेट दिखा देता हूँ। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज अभी मैं आ गया हूँ बाईपास 90 फीट के पास और यहाँ से जो मेट्रो लाइन टर्न लेकर आगे खेमनीचक मेट्रो स्टेशन से मिलेगी उसके लिए यहाँ पाइलिंग का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ अभी पाइलिंग का काम हो रहा है और ये काम आगे इधर मलाई पकड़ी के तरफ भी होना है। तो आइए अब मैं आपको यहाँ से आगे इस रूट पर कितना काम पूरा कर लिया गया है उसे दिखा देता हूँ। तो गाइज 90 फीट से जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं इधर भी आपको पाइलिंग का काम होता हुआ देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि 90 फीट से आगे करीब 100 से 200 मीटर तक ही अब पिलर बनाने का काम बचा हुआ है, जबकि उसके आगे आपको कई सारे पिलर तैयार देखने को मिलेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और गाइज अब तो इधर भी इन पिलरों के ऊपर पियर कैपिंग का काम होने लगा है। आप देख सकते हैं यहाँ इन दो पिलरों के ऊपर ये काम चल रहा है और इधर पटना मेट्रो के ब्लू लाइन पर तो काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। और मैंने आपको कई बार बताया भी है कि गवर्नमेंट के द्वारा ये जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है उसके काम में तेज़ी लाने की बात कही गई है। और इस प्रायोरिटी कॉरिडोर में मलाई पकड़ी से लेकर न्यू ISBT तक वाले मेट्रो स्टेशन शामिल होंगे, जिसके अंदर टोटल 5 मेट्रो स्टेशन आने वाले हैं जो कि एलिवेटेड होंगे और ये टोटल 6.6 किलोमीटर लंबी होगी। और गाइज मैं आपको बता दूं कि अब तो जापान की एजेंसी जाइका ने भी 5,509 करोड़ रुपए देने पर सहमति जाहिर कर दी है और जैसे ही इसकी फंड रिलीज कर दी जाएगी वैसे ही पटना मेट्रो के रेड लाइन पर भी काम काफ़ी तेज़ी से शुरू किया जाएगा। और ये जो रूट होगा वो मीठापुर से लेकर पाटलिपुत्रा स्टेशन तक बनाया जाएगा जिसमें सारे मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे। तो गाइज इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाकर समझा दूंगा। फिलहाल बात करते हैं इधर मलाई पकड़ी के तरफ चल रहे काम के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ इन पिलरों के ऊपर पियर कैपिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है और ये काम पिलर नंबर 18 से लेकर आगे कुछ दूर तक आपको देखने को मिलेगा। और अगर बात करूं यहां इन पिलरों के बारे में तो मलाई पकड़ी से लेकर 90 फीट तक करीब 85-90% पिलर को तैयार कर लिया गया है। और आपको पता ही है कि मलाई पकड़ी मेट्रो स्टेशन के बाद मेट्रो लाइन सीधा अंडरग्राउंड हो जाएगी तो उसे भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट उससे पहले आप यहाँ तैयार कर लिए गए सारे पिलर को देख सकते हैं। यानी कहा जा सकता है कि अब जो पिलर का काम बचा है वो सिर्फ 90 फीट के पास ही तैयार होना है, जिसके लिए अभी वहाँ काम चल रहा है। और गाइज यहाँ ये रहा पटना मेट्रो मलाई पकड़ी स्टेशन के लिए तैयार किए गए पिलर। और यहाँ से लेकर न्यू ISBT मेट्रो को जून 2025 तक चलाने की बात कही जा रही है। और काम देखकर तो मैं बोल सकता हूँ कि उस टाइम तक आपको पक्का यहाँ मेट्रो चलती हुई देखने को मिल जाएगी। तो गाइज अब बात करते हैं कहां पर ये मेट्रो अंडरग्राउंड हो रहा है, या यूँ कह लीजिए कि कहां से ये मेट्रो लाइन अंडरग्राउंड से एलिवेटेड होगा। तो आप यहां देख सकते हैं जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं इन पिलरों की हाइट भी कम होती जा रही है। वैसे अब तो इधर भी पियर कैपिंग का काम कर लिया गया है। और गाइज सामने ये रहा वो आखिरी पिलर जिससे होकर मेट्रो अंडरग्राउंड या एलिवेटेड हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये पिलर जमीन के लेवल से थोड़ा ही ऊपर है और यहाँ से आगे मेट्रो ट्रैक बिल्कुल जमीन पर आ जाएगी और कुछ दूर आगे बढ़कर ये सीधा जमीन के अंदर चली जाएगी। और यहाँ के बाद जो अगला मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है वो राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन होगा जो कि अंडरग्राउंड बनेगा। और अब तो इस पर भी काम स्टार्ट कर दिया गया है। मैंने आपको मोइनुल हक वाले वीडियो में बताया भी था कि TBM मशीन को अंडरग्राउंड ले जाने का काम कर लिया गया है और टनल बनाने का जो काम है वो दो डायरेक्शन में शुरू किया जाएगा। तो गाइज अब बस फंड का ही इंतजार है, जैसे ही ये आएगा काम भी आपको काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में देखने को मिलेगा। तो गाइज ये था पटना के 90 फीट से लेकर मलाई पकड़ी मेट्रो स्टेशन का अपडेट। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं या गाइज अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पटना की ऐसी ही तमाम अपडेट पाने के लिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नई जगह की अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।